अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं? तो सबसे पहले हम एक वोल्ट मीटर को समझेंगे, इसको समझ लेते हैं। जब हम इसको समझेंगे तो खुद ब खुद हमें ये दो की समझ आ जाएगी। अच्छा, होता क्या है, ये जो वोल्ट मीटर होते हैं ये डिजिटल होते हैं। पहले टाइप में ऐसा होता था कि मैनुअल आते थे, वो सुई वाले होते थे, वोल्ट कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, तो उसमें बहुत सी परेशानियाँ होती थी, तो हमें पता नहीं लगता था कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। अगर हम लोग उसको स्ट्रेट देखते थे, सही तरीके से देखते थे, तो हमें पता लगता था, इसमें नहीं पता लगता था। अच्छा, तो हम कहते क्या हैं, अब करते क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब आजकल आ गया है, नया दौर है, डिजिटल चीज़ें हैं, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, यहाँ से इसमें दो तारें लगी होती हैं, एक वायर सीधा जाती है हमारी L1 में, मतलब लाइन में लग जाती है, फेज़ में। जो दूसरी तार है वो सीधा निकलती है हमारे न्यूट्रल में लग जाती है, सही है। अच्छा, न्यूट्रल फेज़ जब इसको मिलता है एक फेज़ का, सही है, तो ये हमें एक फेज़ का शो कर रहा होता है कि कितने वोल्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट कलर में भी मिलते हैं, जैसे ये हमारे पास लगा हुआ है, ये रेड कलर में है, ये येलो में है, और ये आपका ब्लू में है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।